प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर परमात्मा कहते तुम्हारा जीवन, तुम कहां फूले फिर रहे हो इस काल के लोक में, आप जी का जीवन इतना ही है कि जैसे मोती ओस का, ऐसी तेरी आव, ऐसी तेरी सतीथी है। और कह कबीर करो बंदगी भई बहुर ने ऐसा दाव, मनुष्य जीवन का मिलना, फिर ये तत्व ज्ञान का मिलना, कहते हैं फिर ये दाव नहीं लगेगा, ये फिर सु अवसर तुझे प्राप्त नहीं होगा। पुण्यात्माओं, हम सभी प्राणी सतलोक से आए हैं और हम सभी के एक ही परमात्मा, एक ही परमपिता, हमारा एक ही भगवान है। हम अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। इस काल के जाल में फंसने के उपरांत हमारे साथ कितने कष्ट, कितनी आपत्तियां आ रही हैं, उनसे हमें परिचित परमात्मा ही काके कराते हैं। और अपने बच्चों की चिंता, अपने बच्चों के दुख में दुखी अपने ही माता पिता होते हैं। हमारा माता पिता एक ही है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च दरुण तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। हे देवों के देव, हे भगवानों के भगवान, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है और तू ही मेरा सब कुछ है। तो वो माता पिता हमारे कबीर देव हैं। वो कबीर देव, कबीर देव, कबीर साहब, वो हमारे कुल मालिक हैं। उन्हीं को हमारे दुख में दुखी होना पड़ता है। पुण्यात्माओं, हम यहां रह रहे हैं और यहां का जो भगवान है, यहां का जो स्वामी है, मालिक है, वो काल है, ज्योति निरंजन। उसका ज्योति निरंजन भी कहते हैं, उसको ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। पुण्यात्माओं, ये एक तत्व ज्ञान है और तत्व ज्ञान को समझने के लिए आपको समय भी लगाना पड़ेगा। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे एमए करने के लिए 16 वर्ष तक पढ़ते हैं, घर से खर्चा होता है, माता पिता उनको फ्री रखते हैं कि बच्चों बेटा बेटी तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। तब वो 16 वर्ष में बच्चे ट्यूशन भी लगवा लेते हैं, कोचिंग भी लेते हैं। जब जाकर के दो रोटी का साधन बनता है, बने तो बने ना भी बने, तो ऐसे ही हमने परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए समय अवश्य लगाना पड़ेगा। तो उस यदि आपने आत्म कल्याण करवाना है तो समय लगाना पड़ेगा, सत्संग रह रहकर सुनना पड़ेगा, फिर आपका कल्याण अवश्य होगा। अब जैसे ये तत्व ज्ञान है और तत्व ज्ञान में प्रत्येक पॉइंट क्लियर करके चलना पड़ता है ताकि जरा सा भी शंका श्रोता को ना रह जाए। और जब तक शंका समाधान साथ नहीं होगा तो ये सत्संग जो हम श्रवण कर रहे हैं इसमें भी हम
मन उथल पुथल मचाता रहेगा। इसलिए दास की कोशिश रहती है, ये प्रयत्न रहता है कि इन शंकाओं का समाधान साथ करते चले। अब जैसे यहां हम काल के लोक में आए हुए हैं, इसको ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म का अर्थ वैसे परमात्मा होता है, भगवान ब्रह्म, लेकिन यहां का ब्रह्म जो है ये ज्योति निरंजन ब्रह्म रूप से ये परिपक्व हो गया। इस ब्रह्म को यहाँ का मालिक ब्रह्म जो ज्योति निरंजन है अर्थात यो काल है, ये ही ब्रह्म नाम से सुप्रसिद्ध हो गया। इसलिए परमेश्वर की परिभाषा बताने के लिए पूर्ण ब्रह्म अक्षर का प्रयोग करना पड़ता है। अब जैसे ब्रह्म का अर्थ भगवान, ईस कहो चाहे ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, इतना ही काफी था यदि एक ही प्रभु होता। लेकिन यहां 21 ब्रह्मांड का प्रभु यानी स्वामी ये ज्योति निरंजन काल है, इसलिए ये अपने ब्रह्मांडों में प्रभु नाम ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो गया। जैसे किसी कार्यालय में कोई अधिकारी होता है, जैसे दास पहले जेई की सर्विस करता था, तो हमारे महकमे में एसडीओ साहब, फिर एक्सियन साहब, एक्सियन के ऑफिस में जब हम जाते थे तो वहाँ कोई भी कार्य होता था तो वहाँ के जो कर्मचारी थे वो कहते थे एक साहब ने ये काम बोला है, एक दूसरे से कहते थे साहब ने ऐसा कहा, तो उनके लिए अंडरस्टूड होता था वो साहब कौन है, एक्सियन साहब। वो बार बार नहीं कहते एक्सियन साहब ने ऐसे कहा, एक्सियन साहब ने नहीं, उनके लिए अंडरस्टूड होता था कि साहब ने ऐसे बोला, तो सबको अंडरस्टूड था कि एक्सियन के आदेश है। तो वो वहाँ साहब पक्या हुआ है। तो ऐसे ही एक ब्रह्मांड में यहाँ भगवान यानी ब्रह्म ये काल पक गया, इससे ऊपर एक परब्रह्म है जो सात संक ब्रह्मांड का प्रभु है, और परब्रह्म से ऊपर यानी ओवरऑल कंट्रोलर परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा है, और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन भगवानों की नैरी नैरी स्थिति है। एक छर पुरुष, छर पुरुष कहो, पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, पुरुष माने परमात्मा, छर पुरुष ये छर ब्रह्म, अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म यानी परब्रह्म, और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म अर्थात परम अक्षर पुरुष पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। ये तीन स्थिति, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो असंख्य ब्रह्मांडों का ओवरऑल कंट्रोलर है, इंक्लूडिंग ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांड, इन सब के ऊपर वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कुल मालिक है। तो इसलिए अब हमने इस प्रत्येक स्थिति को समझना है तब हम आगे चल पाएंगे। इस काल भगवान की स्थिति समझाने के लिए परमात्मा ने क्या उदाहरण दिया है कि इस काल के लोक में आप देख रहे हो के बुरा आलाप का, अपना पिता अपने बच्चों को ऐसे दुखी नहीं कर सकता, किसी की टांग कट रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का कैंसर हो गई, किसी को अधरंग मार गया, कोई कुत्ता बना रखा, कोई सुअर बना रखा, क्या खाता है वो, तो ऐसा जुल्म अपने बच्चों पे अपना पिता नहीं कर सकता और भगवान नहीं कर सकता, परमात्मा ये दुख नहीं दे सकता, और इसे दुख दे है वो भगवान नहीं है। पुण्यात्मा इस काल के लोक में हम फंस गए, इस काल के लोक में फंसने के उपरांत यहां पर हमारा कर्म प्रधान बना दिए इसने। काल के लोक में फंसे तो हमारा, ब्रह्म के लोक में आए तो हमारा कर्म लगे, सतलोक में कर्म नहीं है, वहाँ कोई भी काम नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का भी कोई काम नहीं है, कर्म नहीं है, ना कोई पाप होता है, वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं, अमृत आहार है, अमृत के सरोवर भरे हुए हैं, वहाँ कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई भाई बंटवारा नहीं,
किसी चीज का कोई अभाव नहीं, कोई अमन में दोष नहीं, तो हम वहां रहते थे। अब उस सुख की तलाश हम यहां करने लग गए, इस काल ने हमारे को ऐसी जगह डाल दिया। अब जिसके पुत्र नहीं है वो पुत्र प्राप्ति में ही समझता है कि मेरा बेटा हो जा, संतान हो जावे, बस मैं आनंद हो जाऊं, मौज हो जाए मेरी, या भूल ला रखी काल ने। जिनके संतान है उनने पूछ, उनसे पता कर लो कितने सुखी हैं और कितनी मौज से उनकी यहाँ पर। अब संतान है वो सोचा है भगवान मेरे बालक बड़े हो जाए, इनका शादी कर दूं, इनका बच्चे हो जा, फिर मैं मौज हो जा, आनंद हो जा। इन बुजुर्गों ने, इन वृद्धों ने पूछ लो जिनके पोते पोती भी हो रही है, दोते दोती हो रही, इनकी कितनी की मौज से। यहां सुख नाम की चीज नहीं, 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं, ब्रह्मांड की सो आग लगी है और ये कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें इसीलिए बताते हैं कि झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल की परिभाषा बताते हैं कि जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को पूरी सुविधा देता है, बकरे और बकरियों को पूरी सुविधा देता है, उनके गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनके ऊपर कुछ झोंपड़ी आदि का प्रबंध भी कर देता है, साथ में लंबे चौड़े चरागाह भी खरीद कर उनके लिए रखता है, तालाब भी रखता है जहां वो जल पी लेते हैं, उनकी खूब केयर टेक करता है, देखभाल करता है। तो वो अबोध प्राणी उस काल उस कसाई को अपना दयालु स्वामी मान लेते हैं। किस दृष्टिकोण से? कि इसने हमारे को कितनी सुविधा दे रखी, कितना बढ़िया जल की व्यवस्था, आहार की व्यवस्था, चारा की व्यवस्था, गर्मी सर्दी से बचने की व्यवस्था, और पता नहीं कितनी बार आकर हमें संभाल रहा है। तो इस कारण से वो अबोध प्राणी बकरे और बकरी उस कसाई को अपना दयालु स्वामी समझकर जब वो आता है उनके बाड़े में, उनके स्थान पर, उसकी तरफ भाग लेते हैं प्यार से। और फिर वो ऐसे हाथ लगाकर देखता है, वो बकरे और बकरी समझते हैं ये तुम्हारा, तुम्हें प्यार दे रहा है, तुम्हारे तुम्हें प्यार दे रहा है। वो फिर क्या करते हैं बकरे, उसको प्यार से चाटते हैं कसाई को, वो प्रतिफल में प्यार देना चाहते हैं, और कोई ऐसे पैर उठा करके प्यार सीने से लगाना चाहते हैं कि बड़ा दयालु है हमारा मालिक। और वो हाथ लगाकर देख रहा होता है, जो कह किलो का हो गया, इसमें मांस कितना हो गया, कितने का बिकेगा, और वो बोली आत्मा समझते हैं हमारा मालिक हमारे से प्यार दे रहा है, हमारी मालिश कर रहा है। और जब आता है कहीं से ऑर्डर आ गया 10 बकरों का, तो वो ना देखता किसका बेटा मरे, किसकी बेटी मरे, किसकी माँ मरे, या बाप मरे, या भाई मरे, या दोनों मरे इकट्ठे, लाठी लेकर न्यू आंख लेता है, निकाल लेता है उनको बाहर मोटे मोटे छांट के, और जाके कड़च करा देता है। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने आप जी को उस कसाई की तरह, बकरे जैसे कसाई पालता, ऐसे ही आपको रोका हुआ है। हमने ये भगवान दिखाई देता है ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन, ये काल किस दृष्टिकोण से, कि जैसे देखो कितनी बढ़िया पृथ्वी, यहाँ कितने सुंदर बाग बगीचे, झरने बह रहे हैं, सुंदर दरिया बह रही हैं, जल है जमीन में, जल है काजू किस्म सेब संतरे, और कितनी सुंदर हवा चला रखी है, सूर्य बना रखा है। तो इस कारण से ये देखें तो हम समझते हैं बड़ा दयालु भगवान, देख कितनी हमारी केयर टेक करता है। और फिर देखते एक्सीडेंट में कुंबा का कुंबा घाणी हो जाती है, अक्षेत्र का अक्षेत्र, भूकंप आ जाता है, गर्क हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो फिर ये भगवान की संज्ञा समाप्त हो जाती है, फिर भगवान वाले गुण समाप्त हो जाते हैं। पर इतनी अकल हमारे में नहीं छोड़ रखी इस काल ने,
हम सोच ही नहीं सकते कि हमने ये सोच रखा है यहां तो ऐसा होता ही है, और हम निश्चिंत हो जाते हैं। विमरना तो है, वो भी मर गए भाई, दुख आता है, रोना आता है, लेकिन विकल्प कोई नहीं। तो फिर कुछ दिनों में वो जख्म भर जाता है, फिर हम वैसे बकवादों पर लग जाते हैं, फिर एक चोट ठोक देता है। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टेणी पात थे अब पीले हो जाही। कि जिसमें पतझड़ आती है, बसंत ऋतु आती है, उसमें क्या होता है कि पत्ते पीले हो होकर वृक्षों के पत्ते झड़ने नीचे गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। उसके तुरंत बाद ही छोटी छोटी कोपलें फूट आती हैं और कुछ ही दिनों में वो पत्ते बनकर ऐसे हवा के झोंकों में फटफट फटफट करके मस्ती मार रहे होते हैं। एक वर्ष वो मस्ती मारने के बाद फिर पीले हो होकर गिर जाते हैं और पैरों पशुओं के पैरों के नीचे या गंदे नाले में सड़कर खराब हो जाते हैं। यही उदाहरण दिया है इस काल के लोक का कि यहां ऐसे तुम्हारी दुर्गति होगी जब प्रलय होगा, जब ऐसे तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। कहते हैं पतझड़ आवत देख के वो बन रोवे मनमाही, कि ये ऊंचे टेणी पात थे पीले हो जाएं। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब ये काल के लोक में अब छोटे छोटे बच्चे, अब जैसे हम अब बूढ़े हो गए, सफेद बाल हो गए, जड़ दांत लागी खिसकन, और अब कुछ दिन में टिकट कट जाएगी, यहाँ से चलते बनेंगे, और तुरंत पीछे से बेटे हो गए, पोते हो गए, पर पोते हो जाएंगे। तो क्या बता रखा है कि जैसे पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मनमाही, जो ऊंची टेणी पात थे ये पीले हो जाएं। तो ऐसे ही पत्ते, जैसे वृक्ष के पत्ते जड़ गए, वो टूट के गिर गए, वो तो गए नाश हुआ, और छोटे छोटे फिर कोपल फूट गई और तुरंत फिर पत्ते बनकर वो मस्ती मार, एक साल वो नाच कूद लेंगे, फड़फड़ कर लेंगे, वो फिर गिर जाएंगे, उनका विनाश होगा। तो अब परमात्मा हमें यही काल के इस जाल को समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं, ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति घर का अकेला, किसी का कैंसर होगी, एड्स होगी, वो फाइनल मौत है, वो तो खत्म न सोच लेता है, फिर वो रोता है बैठ के, हे भगवान मैं तो मरूंगा, अब मेरी मृत्यु होगी, अन्यों सोचा ही कहाँ जाऊंगा, क्या होगा मेरा, क्योंकि भरे परिवार को छोड़कर जब ये चलता है प्राणी, तब इसकी आंखें खुलती हैं, जब तक ये स्वस्थ है, दो रोटी समय पर मिल रही है, बकवाद तोलता है, सारे नरी को भद कुमाता है, परमात्मा के निकट नहीं आता है, आता है तो नकली सा काम चाहिए इसने, भक्ति की सही व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। पुणात्माओं, परमात्मा के चरणों माने के बाद कैंसर भी ठीक हो जाएंगी, एड्स भी ठीक हो जाएंगी, भगवान एक पल में जो चाहे सो कर सकता, जो हमारे दर जगह हो उस परमात्मा तो लाभ लेने की। परमेश्वर कहते हैं, कबीर जी अपनी महिमा पर बताते हैं कि सतगुर के दरबार में कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पाओता तेरी चूक चाकरी में। इस परमेश्वर कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, कबीर परमात्मा के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हमारी कोई सेवा और सिमरण में श्रद्धा में कोई त्रुटि है। सतगुर के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि जब वो एक परिवार का सदस्य जो भक्ति नहीं करता वो मरने लगता है, फिर रोता है, अय है पता नहीं कित क्या अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे,
इसी दृष्टिकोण को समझाते हुए क्या कहते हैं, पात जड़नता यूं कहे सुन भाई तरवर राए, अब के बिछड़े नहीं मिलाना जाने कहां गिरांगे जाए। अब वो पत्ता वृक्ष से टूटता हुआ गिरता हुआ मानो कह रहा हो, पात झड़नता यूं कहे सुन भाई तरवर राय, हे वृक्ष मेरी पुकार सुन ले, अब के बिछड़े नहीं मिला ना जाने कहां गिरांगे जाए। जैसे वृक्ष से टूट गया पत्ता, पता नहीं हवा कहां डाल लगी उसने पटक के। अब वो जैसे एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, दूसरे व्यक्ति उसके पास बैठ जाते हैं स्त्री पुरुष, वो फिर रोता है, सब समझाते हैं भाई सब ने मरना है, ये तो कोई नहीं रहेगा, एक दिन सब ने जाना है, हम भी मरेंगे। यानी उसको संतुष्टि देते हैं कि ज़्यादा दुख मत पाओ, तो मृत्यु तो होनी ही होनी है। तो यहाँ वो वृक्ष कहता है, मान लीजिए जैसे एक परिवार का सदस्य है और इस बड़े पूरे परिवार को त्याग कर जब चलता है तो उसके लिए क्या बढ़ती है। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। आत्मा को कहते हैं परमात्मा कि जब तू शरीर छोड़कर पूरे परिवार ने जिसने सारे ना अपना मान रही थी, दिन रात पड़े नहीं था, एक पल की चैन नहीं थी और भगवान भजन की फुर्सत नहीं थी तेरे पास, तो उन्होंने कहते पछाड़ खाखा पड़ेगी, टक्कर मार मार कर रोएगी जब सारे सब कुछ त्याग कर चल पड़ेगी जिसको तू अपना माने बैठी है। हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। तो यहां उदाहरण देकर परमात्मा कहते हैं तरुवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। इस काल के लोक मत यह परंपरा है या रीति है, एक आ गया पोता हो गया दादा मर गया, एक आया एक चालता बना, कहते यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। अर्थात यहाँ कोई भी ठिकाना नहीं है। परमात्मा ने अभी आपका परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की वो सौषम वेद की एक वाणी आपको सुनाई थी भाई, अग गए ना बावड़े पहले गए उन, वह तो वापस आए नहीं तुम्हारे पास तुम्हारे घर में एज इट इज, और रहते भी सब जाही बिन साहेब की बंदगी की तठोर ठिकाना नाही। साहेब माने परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के बिना कितने ठोर ठिकाना ना। आज हम अपने इस घर को ठीक कमरों को फैक्ट्री और अपने रोजगार को अपना मानने बैठे, इन परिवार को अपना मानने बैठे, बेटे और बेटियों को कार और कोठियों को नहीं, एक सेकंड का भरोसा नहीं, कब जीव यहाँ एक पल का भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, कब मृत्यु हो जा यहाँ से कहेंगे चलो चलो उठाओ उठाओ फूको इसको दबाओ गाड़ो। फिर यहाँ जैसे भी इसने पुण्य और पाप किए, उन पुण्य पापों के आधार पर ये कहाँ जाएगा, पुण्य के आधार पर स्वर्ग जाएगा, वहाँ इसका समय निर्धारित होगा कि तेरी जेब में कितनी कितना अमाउंट है, कितना पैसा है यानी कितने पुण्य हैं, उसके आधार पर उसका समय निर्धारित हो जाएगा कि यहाँ 5 वर्ष का स्वर्ग है तेरा। जब वो स्वर्ग समय समाप्त हो जाएगा फिर उसी प्रकार यहाँ जैसे मर गया वहाँ कहते मर गया वो देव शरीर छूट गया उठाओ उठाओ चलो यहाँ से, फिर नरक जाएगा, नरक का समय भी निर्धारित है, जब नरक का समय भोग लेगा फिर कहेगा चलो नीचे गधा बन, अब गधे का समय निर्धारित है वो समय पूरा होते चल सुअर बन, यदि स्वर्ग महास्वर्ग तक चला गया तो भी मृत्यु है, ब्रह्मलोक तक भी जीव वापस आता है। इसलिए कहा कि बिन परमेश्वर की भक्ति बंदगी की ठोर ठिकाना ना, सतलोक में जाने के बाद या चलो चलो खत्म होगी और कित रुकावट नहीं है, सब चलते रहेंगे। तो पुण्य आत्माओं हमें सतलोक ही चलना है, और सतलोक जाने का सुअवसर
अब ये समय है जो पिछली पीढ़ी कलियुग की प्रारंभ हो चुकी है सन 1947 से, यानी 20वीं सदी से। और अब इस समय जिस पुण्यात्मा का मनुष्य जीवन है वो धन्य भागी है, पुण्य भागी है, और जो इस परमेश्वर के शरण में नहीं आ रहा है वो दुर्भाग्यशाली है, वो कर्महीन प्राणी है, महापाप का भागी है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है केवल परमात्मा पाने आत्म कल्याण कराने के लिए। जिस प्रकार यदि हम भक्ति नहीं करते हैं, बाकी क्या काम करते हैं जो अन्य पशु पक्षी करते हैं, नथिंग एल्स। यदि इसी काम के लिए मनुष्य शरीर दिया होता तो फिर इतना सुंदर शरीर भगवान अपने स्वरूप जैसा नहीं देता, एक आइटम और बना देता, गधे कुत्ते मत एक और बना देता, जब 84 लाख बना रखी। आपको विशेष जन्म विशेष शरीर दिया है, इसमें सद्बुद्धि दी है, इतनी अकल दी है कि आप कुछ गर्मी सर्दी से प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कुछ मकान बना सकते हो, झोंपड़ी डाल सकते हो, समय पर आहार कर सकते हो, बनाकर खा सकते हो, अपने दुख को किसी को कह के हल्का कर सकते हो, आप गुरु बना सकते हो और सत्य भक्ति कर सकते हो। यदि आप ये काम नहीं करते तो हम केवल एक पशु तुल ही कार्य कर रहे हैं। परमात्मा क्या बताते हैं, बेटा जाया खुशी हुई, भाई बहुत बजाए थाल, आवन जावन लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाले। ओह, पहले राजा लोगों के पुत्र होता था, क्योंकि हमारे समाज में अज्ञानी गुरुओं ने एक और बीमारी पाल रखी है कि जिसका बेटा नहीं उसकी गति नहीं, जिसका बेटा नहीं वो उसकी गति नहीं हो सकती, वो महापापी प्राणी है। तो इस अपने कलंक को मिटाने के लिए इंसान बेटे को महत्व देने लग गया। पुण्यात्माओं युग काल का जाल है, बेटे जो भगवान ने दे दी संतान से हर स्वीकार करो और अपनी भक्ति करके उस बच्चे का भी अपना फर्ज पूरा करो, भक्ति पर लगाओ, जैसा परमात्मा ने उसकी ड्यूटी हमें दी है, सेवा दी है, वह सेवा करो और भक्ति करके पार हो जाओ। पीछा छुटवाओ और बेटे और बेटी के चक्कर में पड़ो ना, युग काल का भयंकर जाल है। अब जैसे किसी का संतान नहीं है, वो केवल संतान मांगना आता है यहाँ पर। पुण्यात्माओं परमात्मा कबीर जी जो चाहे सो दे सकता है, इतनी संतान दे दे, हाथ जुड़ा देगा तुम्हारे थे। यहाँ 18, 20, 54 साल की यानी 27 वर्ष ब्याह हो गए थे, उनके संतान नहीं थी, उनको दे दी। वो केवल संतान न मांगना हो थे, ऐसी नीच आत्मा फिर आना भी छोड़ गए। तो कहने का भाव ये है कि वो काल के जाल में परमात्मा नहीं फंसाना चाहता आपको, आपको यहाँ से निकालना चाहता है और आपको संतान नहीं दे रहा है। कुछ दिनों में आप ज्ञान से इतने रंग दिए जाओगे कि आप संतान, आपकी संतान की चाह खत्म हो जाएगी। हम तो आप नहीं चाहोगे संतान, लेकिन फिर क्या है, काल ने बहुत भयंकर जाल फैला रखा है। आपकी कोई पड़ोसन आवेगी, रिश्तेदार आवेगा, नो कहेगा एक जातक तो चाहिए था, वो काल इंजेक्शन लगावे है कि ये किसी ने हुक एंड हुक रुक करके और संतान उत्पत्ति करे। कहीं तेरे खाने के लिए काल ने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित खाने पड़ते हैं, तो उस वो कराता सारे काम। तो ऐसे कई भक्त प्रारंभ में जब ये दास गांव गांव में सत्संग करने जाता था, शुरू शुरू में तो परमात्मा ने काफ़ी दया करते हैं प्रभु, फिर ये सोच लेते हैं कि ये तो बस इसने संतान और संपत्ति दो ही चीज़ चाहिए हैं, वो हमारे पास वो सौदा नहीं है। यहाँ पर हमारा तो मूल उद्देश्य है आपको काल के जाल से निकाल कर सदा सुखी कर देना। इसके दौरान क्योंकि मन बड़ा उस्ताद है, इस मन को रोकने के लिए आपके एक बार तो निरे सुख देगा भगवान, आप जो मांगोगे देता रहेगा। अब देखो बालक है, स्कूल जाने लगा है और वो फिर कहता है मेले में चला गया तो कहता है पिताजी ये खिलौना दे दो, ये खिलौना दे दो,
पिताजी एक दो खिलौना तो दे दिला देता है, फिर बच्चा जो देखे या और दे दो, या कार ले दो, वह कार प्लास्टिक की 3 दिन में टूट फूट ले। तो पिताजी ये सोचता है कि एक दो तो बच्चे को खिलौने दिला देता है कि दुख ना पावेगी आत्मा, रोवे नहीं का, फिर नहीं दिलाता, क्योंकि फिर ये खेलने जाएगा, खिलौने से पड़ेगा नहीं। ऐसे ही पुण्यात्माओं, आपको परमात्मा कुछ ऐसे सुख तो देगा जो आप इस लालच में लग जाओ कि भगवान पड़ा है, कबीर साहब परमात्मा है, लेकिन वो खिलौने नहीं देगा आपको जो आपकी भक्ति में बाधा करे। अब क्या बताते हैं, परमात्मा का विधान है, जो इस तत्व ज्ञान से अपरिचित है और संतान उनके भाग में नहीं है तो वो खूब ट्राई करते हैं, ना जाने की तो जाड़ा आने दो रहे, कि तो हाथ दिखाओगे पामिस्टा दो रहे, पता नहीं धक्के खा ले, लेकिन नहीं हुई संतान। तो अंत समय तक वो बहन जो होती है, विशेषकर काल ने इसी व्यवस्था कर रखी है, बहन बेटियों को ज्यादा चिंता बनती है कि तेरे को बांझ की संज्ञा ना मिल जा, और पुत्र नहीं प्राप्ति हुई तो बांझ की संज्ञा समाज दे देता है और उसको बड़ा बुंडा लग गया, अच्छा नहीं लगता। तो वो बेचारी मर जाती है इसी दुख में, हाय मेरे संतान ना हुई, हाय मेरे संतान ना हुई। इस काल कसाई का ऐसा जबरदस्त विधान है, उसको अगले जन्म में सुअरी की सुअरी बना देगा, जन्म दे देगा सुअर का, सुअरी बन जाएगी, और फिर हास्यकार मजाक करेगा कि ले अब जाम ले ठारा ठारा कट्ठे, एक एक ही ब्यांत में एक ही बार में 18 पैदा कर ले, बच्चे की मारी मरे थी तू, फिर इनो जुलूस निकाल ले मारे। तो परमात्मा आकर हमें कहते हैं बेटा बच्चों तुम मेरी बात पर विश्वास करो और छोड़ दो इस यहाँ नकली, इस काल के नकली वस्तुओं की चाह। तो क्या बताते हैं, बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, राजा का लड़का हो जाता था, ओहो खुशी मनाता था, खूब ढोल बाजे बुजे बजाता था, और इसी प्रकार उसी की नकल गरीब आदमी करता था, लड़का हो जाता था, बैंड बाजा का तो ब्यौत नहीं उसका, वो थाली बजाया करें, छोरा हो गया थाली थाली बजा कर। अब गांव में हम देखा करते, गली में ये पता होता था कि अमुक उनके घर में उनकी पुत्र वधू के बालक होने वाला है, और जब भी वो आवाज़ आती थाली बाजी ओ हो उनका लड़का हो गया फलाना का बहू का बालक होने वाला था, तो थाल बजना मतलब लड़के का प्रतीक था, छोरा हो गया उनके, खुशी मनाया करते। परमात्मा कहते हैं बेटा, फिर कहते हैं एक व्यक्ति के 15-16 साल में एक लड़का हुआ, उसका दादाजी ने बड़ी खुशी मनाई, 10-15 गांव का निमंत्रण दे दिया और बहुत पार्टी करी, मौज मचा दी, बैंड बाजे बजवा दिए और उदमस्तार दिया हैं पोता होने की खुशी में। एक वर्ष के बाद वो जन्मदिन भी ना आया था, दूसरा पोता मर गया, उसकी मृत्यु होगी, खा गया काल उसे, अब टक्कर मार मार रो रहे हैं, पहले तो ढोल बैंड बाजे बजावे थी। समाचार पत्र में एक दिन देख रहे थे, पढ़ा सवेरे, देखा कि एक पहले दिन शाम के समय एक लड़के की शादी थी और औरतें नाच रही गा रही खूब, जैसा भी यहाँ इस नकली सांग में अमराजी होते हैं वो कर रहे, और सुबह क्या हुआ कि रोहतक से चली थी वो बारात कलानौर, एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ जा कर के एक्सीडेंट में वो दूल्हा भी मर गया और 7-8 और मर गए, 10 आदमी की मृत्यु होगी उन बरातियाँ की। और फिर उसे अगले दिन चित्र देखा और हाहाकार मचारे, टक्कर मारे रोए बाल पाड़े। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनमोद, ये सकल जमीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढड़ जा पासा वे, जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा वे। पुण्यात्माओं, परमात्मा
हमें इस काल के जाल से निकालने के लिए आते हैं, लेकिन काल ने भी अपना पक्का प्रबंध कर रखा है। ये काल भगवान क्या करता है, ज्योति निरंजन ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, ये क्या करता है कि अपने नकली दूत ये ऋषि महर्षि इनको भेज देता है और इनकी बुद्धि पर पत्थर डाल देता है। इनको एक अक्षर ज्ञान तो हो जाता है संस्कृत का, और ये संस्कृत के ज्ञान संस्कृत को बोलना सीख लेते हैं, पढ़ना सीख लेते हैं, लेकिन सदग्रंथों को वो काल इनको समझने नहीं देता। अन्य प्राणी अन्य जो जनता होती है वो अशिक्षित, और वो काल के दूत एक शिक्षा प्राप्त है, तो उनको काल ज्ञान देता नहीं। वो दंत कथा इधर की सुनी उधर की सुनी, फिर संस्कृत में बोल बोल के सारी दुनिया को भ्रमित कर देते, तो वो भोली जनता ये समझ लेती है कि तो महर्षि पढ़िया है, ये तो बड़ा जगत गुरु दिख है, बड़ा बढ़िया बोलता है, क्या बात कही। तो पूर्ण रूप से पूरे मानव समाज में भक्ति रूपी अज्ञान का अड़ंगा भर देता है। वो तो चाहता है कि इनको भगवान का ज्ञान ना हो, वो कौन है परमात्मा इनको किसी प्रकार पता ना लगे, ये मुझे या मेरे पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मानकर इन्हीं में अपना जीवन बर्बाद करते रहे। अपुण्यात्माओं, इस बात का प्रमाण आपके समक्ष है कि पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र 18 पुराण और महाभारत, ये सब संस्कृत में लिपिबद्ध शास्त्र सदग्रंथ है, लिपिबद्ध किए गए थे। लिपिबद्ध करने वाला कौन है? श्री वेद व्यास जी, जिनको कृष्ण द्वैपायन भी बोलते हैं, और इन पुराणों को, इन वेदों को और गीता जी को 5500 वर्ष से ये अज्ञानी ऋषि महर्षि को आवे, ब्राह्मण गुरु को आवे थे, ये पढ़ते आवे थे, पढ़े थे, औरों को भी पढ़ावे थे, और शिक्षा भी कहे थे कि नित गीता का एक पाठ कराया करो एक अध्याय का, लेकिन किसी को कह खे का पता नहीं था इनमें लिखा क्या है, ये संदेश क्या दे रहे। ऐसा क्यों था कि काल भगवान ने सबकी बुद्धि ऑफ कर दी, इनके अज्ञान रूपी मोतिया बंद कर दिया, जिस कारण से ये विद्वान नजर आवे थे पर विद्वान कति नहीं थे, 1% भी विद्वान नहीं थे, इनको ज्ञान ही नहीं था, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, ना शिव जी को ज्ञान। फिर ऋषि महर्षि इनके पुजारी नीचे जो आके यहां ये प्रभु पाक रहे थे, स्वामी महर्षि कुआवे थे, इनको तो कहां से ज्ञान होना था। अपुण्यात्मा, यहां थोड़ी सी बात गड़बड़ हो जाती है कि ये दास ब्रह्मा विष्णु महेश को ये कहे कि इनको ज्ञान नहीं था, और इन वशिष्ठ मुनि जैसों को भी ज्ञान नहीं था, नारद जी जैसों को भी ज्ञान नहीं था, और विश्वामित्र जैसों को भी, भारद्वाज जैसों को भी ज्ञान नहीं था। तो पुण्यात्मा, जिस रंग में हिंदू समाज रंगा हुआ है, कति स्वीकार नहीं करे, और इस दास को न्यू सोचा है तो कति मेंटल आदमी है, जे किसी महापुरुषों को कह कर इनको ज्ञान नहीं है और अपने आप को विद्वान सिद्ध करना चाहता है, नहीं, दास का कति प्रयत्न नहीं है और न ही कोई महिमा की भूख है, क्योंकि महिमा इसमें हो ही नहीं सकती। वो तो मूर्ख और अज्ञानी सोचेगा कि मैंने न्यू कर दिया, मैंने ये ज्ञान दे दिया। यो ज्ञान तो परमात्मा ने पहले सदग्रंथों में लिखा हुआ है, ना हमारा बनाया हुआ और ना हम बनावांगे वो ज्ञान नहीं, क्योंकि वेदों के विरुद्ध होगा। अगर हम वेदों वाला ही कहते हैं तो वेदों में लिखा है, गीता जी में लिखा ही है, तो उस ज्ञान को समझना हमारा काम है और समझाना प्रभु का। कबीर, परमेश्वर की दया से हमारी बुद्धि ऑन होगी, हमारा आंख वो अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, अब मुझे दिखाई देने लग गया।
और यहां एक हॉस्पिटल बना दिया बरवाड़ा में सबके मोतियाबंद के ऑपरेशन करने का, यानी आपका भी अज्ञान रूपी मोतियाबंद का यहां ऑपरेशन होगा और कितने पृथ्वी पर नहीं है। अब यहां थोड़ा सा प्रसंग है तो इसको मैं कुछ प्रमाण देने पड़ेंगे, बगैर प्रमाण के ये शब्द जो दास के मुख से निकले हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि महर्षि अज्ञानी थे, तो एक बार तो श्रद्धालु ये समझेंगे कि ये बहुत कड़वी बात कह रहा है, ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए इस संत ने। पुण्यात्माओं सत कड़वी होती है और कड़वी बिना, जैसे कुनीन एक औषधि होती है, गोली होती है कुनीन की, और वह खूब कड़वी होती है, वो खानी पड़ेगी, उसके खाए बिना वो रोग कटे नहीं। तो ये सत कड़वी है, इतनी कड़वी है कुनीन जैसी, लेकिन एक बार इसने ग्रहण कर लेना, इसको गले से उतर जाने देना, फिर देखना ये कैसे रंग लाओगी। अब आपको ये इसलिए ये कुनीन आपको स्वीकार कराने के लिए अब उदाहरण देता है दास। ये है श्रीमद् देवी भागवत, ये दास की बनाई हुई नहीं है, वेद व्यास जी की लिखी हुई है, इन ब्राह्मणों का अनुवाद किया हुआ है ऋषियों का। दास तो आपको पढ़कर सुना होगा, इसमें क्या लिखा ये देखो। ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। इसके 28 पृष्ठ पर देखो, ये पहला स्कंद है, पृष्ठ 28 या नीचे आइए। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, अब व्यास जी ने नारद से पूछा था, तो नारद जी कह रहे हैं, महाभाग व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी भगवान श्री हरि से किया था, मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने। नारद जी कह रहे मेरे पिता यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था, देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है, दीप कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती हैं, वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार हो जाए हैं, आज श्री वक्ष पर वक्षस्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह चमकता है, वे चराचर के जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु और देवता के भी देवता हैं, ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे यानी विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब के बोला वो श्री हरि विष्णु जी, ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ, अब ज्यादा ना सुना के आपको इतना बताता हूँ, ये देखिएगा क्या कहता है भगवान विष्णु, के मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में भगवती शक्ति यानी दुर्गा से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी के ज्ञान का आ गया ओढ़, ये कति अज्ञानी था, ये नो कह है कि मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना मानता, और दुर्गा कहती है उस ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म की, तो इसे सिद्ध हो गया कि विष्णु जी को कति ज्ञान नहीं था। आगे देखो, अब देखो
562 पृष्ठ पे इसी पवित्र देवी भागवत महापुराण के 562 पृष्ठ पे देवी क्या कह रही है, यह है 7वां स्कंद और पृष्ठ 562 देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह ये 36वां अध्याय है 7वें स्कंद का। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो भी है आगे देखो, वह परम प्रकाश रूप है, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं। वही ये अक्षर ब्रह्म है और वही प्राण सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह है यह परम सत्य और अमृत अमृत अविनाशी तत्व सौम्य है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, यानी उस ब्रह्म की साधना करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित, अब देखो इस दुर्गा की बुद्धि देख लो, ये क्या कहने लगी थी यहां पर कि जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है और वही सबके, यहां अक्षर ब्रह्म बोल रही है, देखना आगे, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को तुम लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण पर ओम धनुष है या कहत रहे हैं, देखो यहां से शुरू करा था अक्षर ब्रह्म और यहां आकर खड़ी होगी, या देखिए कहते उसका ओम त नाम है, ओम त धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। ई ब्रह्म नो का ब्रह्म को लक्ष्य बना, यहां क्या कह रही है कि उस अक्षर ब्रह्म को ही तो लक्ष्य बना, देखो तीसरी लाइन पे बदल गई, अक्षर ब्रह्म यहां कहती है अक्षर ब्रह्म को लक्ष्य बना, यहां कहती है उसका ओम नाम है और ब्रह्म उसका ब्रह्म है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है, या अक्षर ब्रह्म या ब्रह्म। आगे देखो यहां देखते हैं, वह है कहां रहता है ब्रह्म, वह है वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब ये तो इतना खिचड़ी ज्ञान है इन देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा कहती है, विष्णु जी तो कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को भगवान देवता नहीं मानता, मेरी समझ में आता इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। दुर्गा कहती है कि उस उलझ पुलझ कर रही है, कदे अक्षर ब्रह्म कहती है, कदे कहीं ब्रह्म कहती है और वो कहती है उस ब्रह्म की पूजा करो, वो ब्रह्म लोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक तक भी गए हुए फिर भी पुनर्जन्म आते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, जन्म मृत्यु में रहते वो अविनाशी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। अब इन ब्राह्मणों की, सतयुग के ब्राह्मण कहते हैं बड़े विद्वान हुआ करते थे, वेदों के पूर्ण जानकार थे और वह दुर्गा की पूजा करा करते, थरा गजे वही। ये देखिएगा वही श्रीमद् देवी भागवत और ये स्कंद 6वां स्कंद और यहाँ प्रश्न नंबर 414। जन्मजे ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म
धर्म का स्वरूप है कि संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नर्प शार्दूल, अभी इस पुराण का लेखक बोल रहा है, हे राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। ये ब्राह्मण कौन है? वशिष्ठ जी, नारद, वशिष्ठ जी, नारद जी, ब्रह्मा जी और ये सारे विश्वामित्र भारद्वाज सारे ब्राह्मण को आया करते, ऋषि कहो चाहे ब्राह्मण को। यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। अरे तरह के जो वेद में कितने भी भगवती की पूजा का नामो निशानी ना गीता में। अब देखो, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान प्रणाम और उस जप में वे अपना सारा जीवन व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा मंदिर का उद्घाटन हो, यह इस विषय उनकी बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत्य दया और शौच के युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था उसमें सत्य, शौच और दया ये तीनों गुण निहित होते रहते थे। ये काट दिया रोग है। कहते हैं सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और भगवती की पूजा करते थे, मंदिर बनवाया करते थे। थरा गजब भैया। परमात्मा कहते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आरे, वैश्या उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आरे, पति भरता को मिले न खादी व सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कहें कबीर सुनो भई साधो या सब उल्टा व्यवहार, सचों को तो झूठा बताओ इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार।